दोस्तों इंस्टाग्राम से फैस सुन रहे। अच्छा, आज की वीडियो में तो बहुत ज़्यादा सेक्सी हुआ हुआ है, वो आपको बताना है। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको पहले जो अपने बजीज वगैरह की जो है वो रीडिंग प्रोग्रेस चेक कराई थी, उसमें इंस्टाग्राम में आज आपको कबूतरों से अपनी रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा भाई, देखें अभी छत पर और अभी धूप भी निकली हुई हल्की हल्की। अच्छा, सेट सीन ये हुआ है, जो मैं नए जो कबूतर लाया था ना, ये देखें इनका बच्चा, एक तो दिखाता हूँ आपको, फुल उड़ने में आ गया। ये देखें, ये बच्चा इनका, और इसको मैंने आज निकाला है बाहर। ये देखें, ये फुल उड़ने में आ गया, ये चला गया ऊपर। अच्छा, इसका सीन ये हुआ है कि ना, इसकी जो फीमेल थी ना इस कबूतर की, तो इसकी जो मतलब माँ थी, उसने ना अंडे दे दिए थे दोबारा, और ना वो उसको नीचे जो कबूतर घूमते रहते हैं ना, जो नीचे जिन्होंने अंडे दिए हुए थे वो ना उसको तंग करते थे, ऊपर जाने में उसको मसला होता था, उसके पर बंधे हुए थे। मैंने कहा चलो अब इसने अंडे दे दिए, इसके पर खोल देता हूँ, अब ये कहीं जाएगी नहीं। तो जो है हुआ क्या कि वो मैं अगले दिन जब आया तो वो थी नहीं वहाँ पर ना, अंदर थी नहीं केज के। अब उसका खाली मेल था और वो अंडों पर बैठा हुआ। तो मैंने कहा हो सकता है इधर उधर कहीं उड़ी हुई हो, मैंने बहुत इंतज़ार किया और फिर बहुत मैंने वेट किया, वो नहीं आई आखिर फीमेल ना। तो फिर अब मैंने मेल को भी, फिर मेल भी जो है ना थोड़ा उसके खैर पर बंधे हुए थे और वो थोड़े भागने वाला हो गया, फिर मैंने जो है ना उसको बंद कर दिया था। अभी थोड़ी देर निकाला है, दूसरे कबूतरों के साथ छोड़ा हुआ है। अच्छा, बाकी मैं आपको अभी यहाँ से इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके नीचे ख़राब अंडा था, फिर मैंने वो रख दिया। मैंने कहा अभी एकदम मैं इसके अंडे हटाऊँगा तो इसको मसला होगा। बाकी इसके जो अंडे थे ना वो मैंने दूसरे कबूतरों के नीचे रख दिए। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेस। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे आए हुए हैं दो दो बच्चे, खूबसूरत से बहुत। और ये मुझे जो है ना वैसे छोटी वाले लग रहे हैं, बाकी बड़े होके देखते हैं क्या निकलते हैं। सही है, इनको हम अंदर रख देते हैं, इनके पेरेंट्स खाने के लिए। ये देखें यहाँ बाल पड़े हुए, इनको बता देता हूँ मैं। अच्छा, इनके पेरेंट्स जो खाने के लिए गए हुए, तो खाना खा के आएँगे, फिर इनको भी खिलाएँगे, मेल फीमेल दोनों। बाकी जो हैं वो जो ऊपर वाला जो पिंजरा है उसका मैंने आपको बताया, अब इस वाले पिंजरे को भी देख लेते हैं। मैं इसका यहाँ से पहले तार खोल दूँ ना ज़रा, उसके बाद हम दिखाता हूँ क्या चल रहा है अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कबूतर ना अंदर बंद किए हुए थे, दाना वगैरह खा रहे थे, पहले मैं इनको भी थोड़ी देर बाहर निकाल देता हूँ, इनको खा पी दे रहे, तो इनको बाहर कर देता हूँ। कबूतर आपको दिखाता हूँ, वो भी देखें, वो भगा दिया उसने जंगली कबूतर को। तो ये यहाँ पे एक कबूतर है, इसको भी मैं निकाल देता हूँ बाहर। अच्छा भाई, सारे कबूतर निकल है। सही है, ये देखें ये रहा वाला नर और ये बच्चा, इनकी फीमेल नहीं है इसके लिए भी, अब देखें कोई फीमेल देखते हैं, वरना अगर यही वाला बच्चा फीमेल हुआ ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने सबसे ज़्यादा दुआ ये करनी है, जो इसके अंडे हैं ना उसमें जो फीमेल होगी वो सही सलामत दोनों बच्चे बड़े हो जाएं, ताकि हमारे पास इस नस्ल की प्योर फीमेल घर में ही प्रोड्यूस हो गई हो, क्योंकि इसकी फीमेल ने अंडे दिए थे तभी मैंने उसके पर खोले थे। अच्छा, मैं आपको अब दिखाता हूँ यहाँ पे अंदर प्रोग्रेस क्या चल रही है। ये देखें, सबसे पहले माशाल्लाह ये वाला जो पेयर है इसने दो दो बच्चे निकाले हुए हैं, क्यूट से बहुत। और मैं आपको अभी फीमेल हटा के भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक बच्चा काफ़ी बड़ा है और एक काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये देखें माशाल्लाह। और बाकी ये वाली जो फीमेल है इसको भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसका एक अंडा है और एक बच्चा भी है, ठीक है, इसका ये चल रहा है। और ये वाली फीमेल इसको भी हटा देता हूँ। ये तो ये वाली दोनों जो फीमेल हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ना एक ही माँ बाप की बहन है और ये दोनों बहुत ज़्यादा मारती हैं। इसको निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखें, ये देखें फ़ौरन यहाँ पे आ गई थी दोबारा अंदर जाने के लिए। यहाँ पे भी माशाल्लाह दो दो बच्चे आए हैं बहुत।
क्यूट से। ये देखें फीमेल बार-बार आना चाह रही है, मैं आपको दिखाता हूँ भी आएगी। अब इसको डर है कहीं मैं इसके बच्चों को कुछ करना दूँ। ये गई अंदर। अच्छा बाकी ये वाली फीमेल जो है ना, इसको मैं अभी नहीं हिला रहा क्योंकि ये तो बहुत सबसे ज़्यादा यही मारने वाली है। देखें मैं खाली अपना हाथ यहीं लाया हूँ, यहीं पर मार रही इतना दूर से ही। और मैं इसके नीचे आपको बता दूँ, मैं सभी बच्चे नहीं निकले होंगे, इसके नीचे है हमारे पॉलिश वाले जो कबूतर हैं ना, उनके अंडे, सही है। और ये देखें यहाँ पे एक छिलका पड़ा हुआ है, इसमें से बच्चा निकला होगा। ये देखें ये इसमें से निकला होगा। और इसको अब हम लोग जो है हटा देते हैं छिलके को, बाहर फेंक देते हैं, कब्बे वगैरह ले लेंगे। अच्छा ये वाले जो बच्चे हैं ना बीच वाले में, जो एक अंडा पड़ा हुआ है और एक बच्चा है, ये इस कबूतर के साथ के वाइट वाले के और जंगली के, अब देखते हैं इनके क्या बच्चे निकले, जंगली निकले होंगे या वाइट, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी यहाँ पत्थर मैं लगा देता हूँ। अब ये जगह जो है ना सेफ है, यहाँ मुर्गियाँ वगैरह भी खुलती हैं, बंद है ना अंदर, मुर्गियाँ नहीं आ सकती। और ये देखिए कौवा वगैरह बैठे हुए, ये बैठा हुआ है, अभी इनको कुछ नहीं कह सकते, अंदर है ना जगह। अब जिस जिसके अंडे थे वो अंदर चले गए, बाकी बाहर घूम रहे हैं। अच्छा ये वाला जो फिर पेयर है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेल है ना ये फिर उड़ गया था छत से ना, इसके थोड़े थोड़ा तो उड़ सकता है ना पर बंदों में, तो फिर मैं इसको लेके आया था। अब मैं इसको अपने सामने खोलता हूँ बस, आज जैसे थोड़ी देर खुला हुआ है, अब इनके साथ कुछ खा पी ले, वैसे तो इसको मैं अंदर ही दाना पानी डालता हूँ और फिर अपने सामने ही ना बंद कर देता हूँ बस, ज़्यादा इसको बाहर नहीं निकालता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।